हार का बदला निकालने बस स्टैंड निर्माण को रोकने विधायक ने लिखा पत्र। चिचोली डोडा डोगरी विधायक ब्रह्मा भालावी द्वारा चिचोली में खसरा नंबर 286 रकबा 0.400 के मत की भूमि पर बस स्टैंड निर्माण रोकने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा। इस मुद्दे पर नगर में राजनीति गर्म है। नगर परिषद अध्यक्ष सहित भाजपा पार्षद ने इस मुद्दे पर विधायक पर राजनीतिक द्वेष का निकालना एवं नगर के विकास को अवरुद्ध करने का भी आरोप लगाया है। बताते हैं क्या है मामला। पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार चिचोली में लगभग 1 करोड़ की राशि से चिचोली के वर्तमान बस स्टैंड में लगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमि को बस स्टैंड के लिए आवंटित किया जाने से सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण किया जाना था। बस स्टैंड की भूमि की शासन ने अनुमति मिलने के बाद भी नगर परिषद को अभी तक 60 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है। साथ ही नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव लेकर निविदा की स्वीकृति भी की जा चुकी है। आवंटित भूमि को निरस्त करने विधायक ने अनुविभागीय अधिकारियों को भी पत्र लिखा। बस स्टैंड चिचोली के लिए आवंटित की गई भूमि को निरस्त करने के लिए क्षेत्रीय विधायक ब्रह्मा भलावी ने अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा, जिसके संबंध में तहसीलदार चिचोली ने उद्घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इस प्रकरण पर नगरवासियों ने आपत्ति पेश करने के लिए समय दिया था। तहसीलदार द्वारा उद्घोषणा पत्र जारी करने के बाद बुधवार को नगरपालिका अध्यक्ष संतोष मालवी ने तहसील पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा को सौंपे आपत्ति पत्र में नगरपालिका अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर विधायक द्वारा राजनीतिक द्वेष के तहत चिचोली नगर में विकास को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। इस प्रकरण पर नगर परिषद अध्यक्ष संतोष मालवीय का कहना है कि विधायक ब्रह्मा भालवी चिचोली से लगभग 1000 वोटों से चुनाव हारे थे, जिसका बदला अब वे चिचोली नगर के जारी विकास कार्यों में अवरुद्ध डालकर निकाल रहे हैं, जो जनभावना के विपरीत है। नगर की जनता विकास चाहती है, लेकिन विधायक विकास के बदले बदला लेने की मानसिकता से कार्य कर रहे हैं। चिचोली से ग्राउंड रिपोर्टर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 1 करोड़ की घोषणा बस स्टैंड के लिए की थी, जिसमें 60 लाख रुपए हमारे पास आ भी गए। उसके उपरांत कलेक्टर महोदय ने हमको इसकी परमिशन दी गई। विरोधी लोगों ने उस समय भी कोर्ट में किया गया। अब कोर्ट का आर्डर भी हमारे पक्ष में आ गया है। अभी पुनः तहसीलदार महोदय ने, यहाँ के जो विधायक है, उनने ये मांग की है कि यहाँ से ये हटाया जाए, क्योंकि सत्ता बदलती है। तो हमारे माननीय विधायक जी ने ये क्षेत्र का विकास करने के लिए विधायक होते हैं, इसका मतलब ये है कि जहाँ से इनको हार मिली है उससे ये बदला ले। वहाँ की पब्लिक को घृणा की दृष्टि से देखे हैं। हमने इसलिए आज तहसीलदार महोदय को इसका वो दिया है कि यहाँ का ये बस स्टैंड जो हमको शिवराज सिंह के कार्यकाल में दिया है, इसको यथावत रखा जाए। नहीं तो इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद है, इसलिए इसके ऊपर अत्याचार करना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इसको एक इस आपत्ति को वो बंद करें, तो इसके बारे में चिचोली बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे और शासन की नाक में दम ला। हेमराज राठौर की रिपोर्ट।